हरे कृष्णा, आज हम लोग नर्सिंग में ली गए थे कि जो नर्स वहाँ पर कथा नहीं हो पाई क्योंकि एक साथ में तीन चार 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 पार्टियां वहाँ पर आ गई, इसलिए वहाँ कथा नहीं हो पा रही थी। और जो भक्ति मार्ग है इसलिए उपनिषद कहता है भक्ति मार्ग कंटक, जो भक्ति का मार्ग है करोड़ करोड़ कांटा दिखता है। धारा निशीत दुर्ग तया दुर्गम पतस्तत अवय वदन्ति। वही लोग कहते हैं जो भक्ति का मार्ग है ना, कहते सत्यम सत्नेन विघ्ननानि, अगर कोई साफ साफ बोले उसमें सब विघ्न है, मतलब विघ्न अजुसेन गोविंद, तपस्या करे उसमें हजार बाधा है, लेकिन अगर कोई भगवान की भक्ति करे हर स्टेप स्टेप नहीं बाधा जाता, हर स्टेप में बाधा ही बाधा है। इसलिए इस जगत में कोई शराब पिए उल्टा पुल्टा काम कर दे ना, कोई कुछ नहीं बोलता है, लेकिन थोड़े तिलक लगा लो, गले में कंठी पहन लो और फिर से माला जब सभी मन लग गए कि कौन सा बच्चा अगर बोलता है शराब वेरी गुड, लेकिन बच्चा अगर गले में कंठी तिलक माला पहन लो, पर ये कोई उम्र होता है गले में, तो अभी से सब तिलक कंठी धारण अभी से तुमने क्या करना शुरू कर दिया। इसलिए भक्ति मार्ग में बड़ा बाधा है, बड़ा बाधा है भक्ति मार्ग, लेकिन नरसिंह की कृपा से ही ये सारे बाधाएं इनकी कृपा से दूर हो जाए, सब इनकी कृपा से। प्रहलाद के ऊपर भी जितने बाधाएं आई सबके सब नरसिंह भगवान ने दूर किया है। इसलिए कहते हैं सप्तम भागवत की सप्तम स्कंध में ये कथा आती है, इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उसमें जो एक एक स्कंध का उन्होंने एक एक लक्षण बताया। बोले सप्तम स्कंध का लक्षण क्या है, बोले उत्ति, उत्ति का मतलब कर्म वासना। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते वासना दो तरह का है, कहते एक अच्छी कभी इसमें दिखाया है प्रेम अच्छी भावना जब तक किसी महान पुरुष चरण में हम नहीं रघु गए ना, अगर कोई सोचे हम तपस्या कदर भगवत प्राप्त कर रहे हैं, जाति कोई ऊंचे कुल में जन्म ग्रहण हो जाए उससे भगवत प्राप्त है, नहीं बस छंदसार कोई भेद कर ले संसार छोड़ कोई अतिथि जल की पूजा किसी तरह से नहीं हो सकता है। तब होने वाले जब तक शुद्ध वैष्णव का कृपा नहीं हो, शुद्ध गुरु जी की कृपा नहीं हो, तब तक जीव जो कुछ भले ही कर ले, इसको रायरा मानते कहते हैं कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम कुतापि जति लभ्यते तत्र लौल्य मूलम कलम कोटि सुकृति अपि न लभ्यते। रायरा मानते कहता है कहते हैं भक्ति कब होता है, बोले पूर्व पूर्व जन्म का सुकृति से, लेकिन करोड़ सुकृतों के द्वारा जो वस्तु प्राप्त होती है नहीं हो सकती है अगर किसी शुद्ध वैष्णव का अगर कृपा हो जाए, किसी शुद्ध साधु का अगर कृपा हो जाए ना, बात काम मिल जाए, ये कितने महान। इसलिए अच्छी भावना जब प्रकट होती है तभी होती है जब ये साधु कृपा हो। लेकिन तो प्रहलाद के ऊपर किसकी कृपा हुई, श्री नारद जिस समय हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए गए, इतने में इंद्र ने आक्रमण किया करके, बोले एक पिता तो दुनिया में टहलता मचा दिया, अगर उसका और एक बेटा हो जाएगा ना, फिर बेटा और पुत्र मिलकर आपको तो स्वर्ग में रहने नहीं देगी, खड़े रहेंगे। इसलिए उसने आया और उसको पत्नी को पकड़ करके ले जा रहा था, इतने में श्री नारद जी आ गए, बोले क्या कर रहे हो, बोले मेरे अंदर में कोई बुरी भावना नहीं, इसके बच्चे को मारने में छोड़ दूंगा, बोले तेरे को पता है
भगवान सर्वश्रेष्ठ भक्त श्री प्रहलाद महाराज आने वाले हैं। श्री प्रहलाद महाराज की जय। श्री प्रहलाद महाराज की जय। इसकी हृदय प्रहलाद आने वाले हैं, इसकी बाल भी कोई बता नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने उनको छोड़ करके चले गए, फिर उनका आश्रम पर लेकर गए। कहां पर? गिरिराज गोवर्धन, जहां पर गिरिराज चले गए, वहीं पर ही उनको बोले तुमको क्या चाहिए? बोले जब तक मेरे पति नहीं आए तब तक जैसे मेरे बच्चे जन्म लिए हो, क्यों मार सकते हैं? फिर 60 साल 1000 साल हिरण्यकश्यप ने तपस्या की, वहीं पर नारद जी उनको भगवत कथा सुनाई, जिसको कहते हैं तुलया मिलवे न अभि न स्वर्ग न अपुनर भव भगवत भक्त संग समर्थ्य नाम तुम तसिस, जिसको श्री चतुसन कहते हैं, हैं, जिसको श्री प्रीतु महाराज कहते हैं। अगर जीवन में एक लाभ साधु संग हो जाए, बोले एक लाभ कितना होता है? बोले एक सेकंड को 11 भाग करो, एक सेकंड को 11 भाग करो, 11 भाग का एकमा भाग को एक लाभ कहते हैं। अगर जीवन में इतना, अगर साधु संग इतना समय मिल जाए तो जिसको साथ में स्वर्ग और मोक्ष कभी हम बराबर नहीं कर सकते। कभी सुना चलो ना, तो कहते हैं भैया एक लाख साधु संग में से क्या चीज मिलता है, कभी स्वर्ग और मोक्ष कभी हम बराबर क्यों नहीं कर सकते हैं? वो कहते हैं कृष्ण भक्ति जन्म मूल हरि साधु संग। कृष्ण भक्ति का बताया लता है, जब तक बीज नहीं हो लता कहाँ से होगी? वो बीज मिलेगी कहाँ से? बड़े सुंदर वैष्णव का संग से ही भक्ति लता का बीज, केवल भक्तों का संग से ही बीज मिलती है, ये तो और बीज कहीं नहीं मिलेगी। बोले क्यों? इनसे ही क्यों बीज मिलती है? तो जीव गोस्वामी बहुत एक सुंदर उदाहरण देते हैं। जीव गोस्वामी उदाहरण दिया, हम कहते ना साधु बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना होई। साधु संग सर्वशास्त्र कहे लव मात्र साधु संग सब। अब ये प्रश्न करते जीव गोस्वामी, भैया हम सता प्रसन्नात मम विरिच संविदो, भगवान कपिल देव भी माँ को कहते बोले भैया केवल साधु संग से ही जीव का कल्याण उदार होने वाले। तो उसे विश्वनाथ जीव गोस्वामी कहते भैया तथा तो अपना घर में तो भाग होंगे, अपना घर में तो पुराण है, फिर हम साधु के पास में फिर कथा सुनने के लिए। जीव गोस्वामी बहुत सुंदर उदाहरण दिए, उदाहरण देते जैसे ऐसे कुछ वृक्ष है जिस वृक्ष से आप डायरेक्ट अगर बीज को लेकर को बो दो ना तो वृक्ष नहीं होने वाले। बोले कौन सा वृक्ष? बोले बेटर वृक्ष और पीपल का वृक्ष। आप कभी भी ये दो वृक्षों को, वृक्ष के नीचे कहीं भी पेड़ आप देखोगे नहीं, कहाँ देखोगे वृक्ष? एक छत के ऊपर पेड़ को बैठोगे। बोले क्यों? बोले इसका एक नियम है, जब तक एक चिड़िया उसको नहीं खाए, जब वो चिड़िया को पेट में वो बीज जाए, वो चिड़िया के पेट में ऐसे एक दिव्य शक्ति है जो उसकी अंकुर देने में शक्ति प्रदान करता है, हैं? तभी जाकर वो जो बीज करता है फिर जाकर उसमें अंकुर होगा, नहीं तो अंकुर नहीं होगा। और उसमें इतने शक्ति, आप देखना एक वृक्ष बनने के लिए तीन चीज की जरूरत है, एक हवा, एक पानी और एक मिट्टी, ये तीन चीज होनी चाहिए। आप देखना छत के ऊपर सीमेंट है, पानी पानी उतना कुछ नहीं, मिट्टी मिट्टी कुछ नहीं, देखना ऐसे बरगद का पेड़ पीपल का पेड़ होता है ना, हम देखा हमारे श्री रमन बिहारी गौड़ी बैठे हैं, वहाँ वो पीपल का पेड़ हम जा रहे थे, वो नाली के पास ना जितना उगा ना अपने आप हो जाती है। देखना कि तो फाड़ देता है ना सीमेंट को, घर को तरफ फाड़ देता है वहाँ पर, मतलब कितने शक्ति। बोले क्यों? बोले उसको पेट में ऐसे की शक्ति है। तो उसी तरह जब हम गुरु वैष्णव से भगवत कथा सुनेंगे, ऐसे शुद्ध भक्ति से कथा सुनेंगे, भले ही हमारे हृदय में भक्ति की भावना कुछ है ही नहीं, कोई संस्कार नहीं, लेकिन साधु संग की इतने महिमा, इतने साधु संग की महिमा, वो निरस हृदय को भी वो सरसता प्राप्त करा देते हैं। कौन करा देते हैं? ये साधु लोग करा देते हैं, इतने शक्ति इनको अंदर में। इसलिए प्रहलाद महाराज इनके प्रहलाद कैसे हुए? प्रहलाद, प्रहलाद मतलब क्या? मतलब स्वरूप है, पूर्ण रूप में नहीं मिलेगा, अगर संग करते हुए उनका भक्ति नहीं करते जीव को भक्ति है, इसलिए तत्प्रसाद उत्ती
इसलिए तभी नारद से दूसरे तरफ में मतलब सुबह में कश्यप का मतलब होता है उसका जिसका सोना जहाँ पाप का स्थान उसको वैकुंठ लोगों से प्रभु की नासी किया आ रहा उसको स्वयं कितने सुंदर बेटा प्रभु को एक बार दर्शन करने के लिए जा बोले जा सकते हो ब्रह्मा बड़े खुश हो गए बोले क्यों बोले भगवान को ब्रह्मा 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 ब्रह्म कह रहे लेकिन रूप में इतने सुंदर जिसको गोस्वामी जी कहते हैं बोले इन्हें बिलो पाता हर सीता पर बस ब्रह्मा सुखाई मन त्यागा। इसलिए जब भगवान पहले जनक महाराज भी ब्रह्म क्या कहते हैं जब राम लक्ष्मण जाते हैं जनकपुरी में जब श्री जनक महाराज राम लक्ष्मण को दर्शन करते हैं बस उनको दर्शन मात्र से ही अभी तक तो वो ब्रह्म ब्रह्म निराकार निराकार कह रहे थे लेकिन इन्हीं बिलो का अति हरसिता बरवस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। लेकिन प्रभु का रूप दर्शन करते ही कहते कृष्ण प्रेमानंद जे आनंद सिंधु कोटि ब्रह्मानंद ने तारे के बिंदु कहते कृष्ण भक्ति रस में जो आनंद है बोले करोड़ों ब्रह्मानंद मिल कृष्ण भक्ति रस की एक बूंद को साथ में अब बराबर नहीं कर सकते क्योंकि इसे बोले आत्मा रामस्य तनयो विद्यो अपि गुरु क्रमे गुरु बन तो की भक्ति इनका जो रूप माधुर्य लीला तत्पति आस्वाद तत्व को ब्रह्म बनाए इनको दर्शन करते ही ब्रह्म सुख अपनी आप मन से खत्म हो जाती है। पहले भैया जाओ एक बार दर्शन करते हुए एक बार दर्शन बाहर जब चतुर्सन आए छह दरवाजा पार हो गए सब दरवाजा इतने में जय विजय क्या किया लटिया लेकर भी कहा प्रश्न नहीं पता नहीं कर रहे और कहीं बिना लटिया को बोलने पर काम एक साथ और ब्रह्म क्या कुछ भी का जरूरत है पास आप दे दिया इसलिए भगवान अमृत मूर्ति भगवान लेकिन भगवान भैया वीर रस कैसे हाथी में युद्ध जो भाव होते हैं
Gracias.